मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव होने तो है 2022 में, लेकिन सबके कान खड़े हो गए हैं ये देखकर कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव इस बार अकेले लड़ने वाली है। जी हाँ, जितनी भी 227 सीटें हैं उन सभी सीटों पर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी। तो अंदर का पेच क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बता दें कि 2022 में ये बीएमसी के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर चुकी हैं। 2019 का अगर आपको वहां का चुनाव याद हो तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वैसे तो गठबंधन जीता था बीजेपी और शिवसेना का, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात पर मामला ऐसा अटका कि 25 साल की पुरानी दोस्ती टूट गई और उद्धव ठाकरे ने हाथ थाम लिया और एनसीपी का दामन भी थाम लिया। तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने और जो सपना था बाला साहब ठाकरे का जिसका वो जिक्र करते थे वो पूरा हुआ, लेकिन इधर बीजेपी अलग रह गई। अच्छा, ये तीनों पार्टियां जब एमएलसी चुनाव एक साथ लड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तो बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। फिर ऐसे में बीएमसी चुनाव में तीनों पार्टियां मिलकर क्यों नहीं लड़ रही हैं, इसको लेकर जो थ्योरी समझ में आ रही है वो यही कि इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं भाई जगताप, और भाई जगताप जो कि नवनियुक्त अध्यक्ष हैं मुंबई कांग्रेस के, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सभी 227 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार अलग से उतारेंगे। अब माना यह जा रहा है कि इसकी वजह यही है कि तमाम बड़े नेता यही मानते हैं कि 227 वार्ड है बीएमसी के, ऐसे में अगर तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो भी जाती हैं तो आपसी मतभेद और किस तरह से उन सीटों का बंटवारा हो इसको सॉल्व करना इतनी बड़ी पहेली बन सकता है। बगावत का डर है, जो जिस पार्टी का है वहां जीत रहा है और अगर किसी दूसरी पार्टी को वो सीट देनी पड़े वो बगावत कर सकता है। तो सीट बंटवारा और बगावत का खतरा, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये तय किया गया है कि इस बार तीनों ही पार्टियां 227 की 27 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। तो एक तरफ तो ये मुंबई के अध्यक्ष बनाए गए हैं भाई जगताप, उधर चरण सिंह सापरा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसमें यही साफ है कि सभी सीटों पर अकेले कांग्रेस पार्टी बीएमसी के चुनाव लड़ेगी और यही शायद एनसीपी और शिवसेना भी करे और बीजेपी अलग है। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि ये लड़ाई अगर इस तरह से होती है और शिवसेना अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है सभी सीटों पर, एनसीपी लड़ती है, तो ये लड़ाई पूरी की पूरी, क्योंकि एक छत्र राज एक तरह से रहा है इनका पहले से बीएमसी पर, तो कहीं ये शिवसेना वर्सेस बीजेपी लड़ाई ना बन जाए। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि अपने दम, अपनी ताकत, अपने बलबूते अगर हमने म्युनिसिपल चुनावों में भी नहीं कदम रखा तो शायद हमारा वजूद ही यहां से खत्म हो जाएगा। तो ये लड़ाई इस बार जो फरवरी 2022 में होनी है बीएमसी चुनाव की, इसमें माना जा रहा है कि अलग अलग सब लड़ते हैं, तो बीजेपी वर्सेस शिवसेना पूरी लड़ाई हो सकती है। इसी बिसात पर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हम कम से कम अपना वजूद तो कायम रखें और इसके लिए वो हर जगह अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं।